दोस्तों, मैं सना आज आप लोग के लाई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। ये हम लोगों को बेहद पसंद आता है। आइए देखते हैं इसको हम घर पर कितनी आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पनीर। पनीर मैंने 250 ग्राम लिया है। प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, 4 प्याज ली हैं। टमाटर का पेस्ट, 3 टमाटर लिए हैं। काजू पेस्ट, क्रीम, 3 बड़े चम्मच तेल, 1 गिलास दूध, कसूरी मेथी, तेजपात, लाल इलायची, हरी इलायची, ये लाल इलायची 1 ली है, 2 हरी इलायची, 4-5 लौंग, जीरा, लाल सूखी मिर्च, धनिया दाना, लाल देगी मिर्च 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, शाही पनीर मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, गार्निश करने के लिए धनिया पत्ता। तेल गरम करने के बाद सबसे पहले हम डालेंगे तेजपात, जीरा, धनिया दाना, मिर्च, लौंग, ये सारे खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम थोड़ा भूनेंगे पहले। प्याज भून चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। अब इसको भी हम भून लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पनीर, शाही मसाला, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको भून लेते हैं। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे काजू पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर इसमें दूध डालेंगे। मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद इसको चलाते रहना है। इसको 1 मिनट तक पकाना है। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे क्रीम, अभी हमारा मसाला बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, अब इसमें डालेंगे नमक, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, और इसको मिक्स कर लेंगे। शाही पनीर बनकर तैयार है। अब इसको हम सर्व करते हैं। इसको अब सर्व करते हैं। शाही पनीर बनकर तैयार है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलिए। हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।